नगरपालिका परिषद चुनाव मिर्जापुर से चेयरमैन पद हेतु बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल, उन्होंने कहा मैं जनता के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, उनको कोई कष्ट न हो, चाहे पानी, बिजली, सिविल, नाली, सड़क इत्यादि किसी भी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। जनता मुझ पर विश्वास करे, मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के लिए मैं सदैव हमेशा आगे रहूंगा। वहीं मंडल कोऑर्डिनेटर यशवंत कुमार राव ने कहा कि बिहार में नगरपालिका परिषद में भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक स्तर पर बढ़ गया। हम लोग चुनार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का कार्य करेंगे। मैं जनता का बहुत बहुत आभार शुक्रिया करता हूं कि आज जनता मुझ पर पूर्ण विश्वास कर रही है। मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा से लेकर नगर पंचायत में विकास को लेकर रहेगी। मैं वादा करता हूं कि जनता के हर सुख दुख में सदैव साथ रहूंगा। मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ साले हसन की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप अपना परिचय बताएं। धन्यवाद आपको। मैं रमाशंकर सिंह पटेल, मैं जिला पैदल पर रहने वाला हूँ और बहुजन समाज पार्टी का जनरल पद का प्रत्याशी। आप यह नगर अध्यक्ष का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर और लड़े? नहीं, मैं 2017 में भर्ती का मुझे आसमान किया था, लगभग 2300 पाया था। इस नगर पालिका चुनाव की सबसे जटिल समस्या क्या है? इस नगर पालिका चुनाव में पहली समस्या तो पानी की है, जो लोगों को पानी है सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कई जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये आपका कांसीराम आवास में लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए बात। अभी मैं कई वार्डों से घूम के चला आ रहा हूँ, उन वार्डों में लोग पानी उन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। और जो तो सबसे पहली समस्या तो यही है कि पानी का जुगाड़ नहीं है। आने वाली 11 तारीख की वोटिंग होनी है, यहाँ का जनता आप जनता से क्या अनुरोध करेंगे? मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के अगर कुर्सी पर हमें पहुँचाती है तो मैं सबसे पहले इन पानी की समस्या का निदान करूँगा। महिलाओं की सुरक्षा के विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो तो ये शासक प्रशासन की बात है, लेकिन लगातार हम लोग बहन जी के निर्देश बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार लड़ते रहते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उन्हें किसी प्रकार का मान सम्मान में कमी नहीं। धन्यवाद आपसे बात करने। नमस्कार, मैं यासीन खान, आईटी से आज मैं पहुँचा हूँ। चुनाव दूसरे दौर में चुनाव हो रहा है नगर निकाय पंचायत का। चुनाव के नगर की जनता से आज हम कुछ सवाल करेंगे। यहाँ पर जो पौधे टिकाऊ है, टिकाऊ में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय है, इस कार्यालय पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता से बात करेंगे, वो अपना परिचय सर बताएं। मैं यशवंत कुमार राव, समाज पार्टी। सर ये बताइए, यहाँ पर चुनाव चल रहा है, यहाँ की चुनाव चुनौती बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ सभी प्रत्याशी अपनी ताज छोड़ रहे हैं, लेकिन समाज पार्टी से सर आप क्या करा जाएगा? बहुजन समाज पार्टी भी जो कल मतदान हुआ है, पहले सभी चुनाव में जो सैंतीसों दिनों में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हुआ है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर हुआ है। और मुझे कुछ उम्मीद है, आशा है कि जो 11 मई को भी चुनाव होगा वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने के लिए आते हैं और मतदान करते हैं, और चुनाव की जनता तो यहाँ बदलाव देखेंगे और बदलाव के प्रति बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय रमाशंकर पटेल जी और उनके व्यवहार कुशल हैं, जो भाषी हैं, तो उनके पक्ष में आम जनता भी कह रही है कि इस बार रमाशंकर पटेल जी को पार्टी के निशान पर मोहर लगा करके बिताना चाहिए। धन्यवाद। आप यात्री से अपनी भाई के साथ